ये आप लोग के हार्मोन्स के, ये दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, सही है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, हार्मोन्स क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ द डिफरेंट हार्मोन्स, सही है। एंड फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स कि किस तरह इस ये रेगुलराइज किस तरह करते हैं, हाउ टू रेगुलराइज द फंक्शन ऑफ योर बॉडी। हार्मोन्स आर कन्वेंशनली डिफाइंड एज, ये क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, हार्मोन्स जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसे कहते हैं जिसमें कार्बन मौजूद होते हैं, इसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। उर्दू में इसको नामियाती अज्जा कहते हैं। एक हमारे पास उर्दू में दो चीजें, एक है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं गैर नामियाती, जिसमें कार्बन नहीं मौजूद होते। याद रखो कि जब कभी हम कार्बन वाली कंटेनिंग सब्सटेंस को जब भी जलाते हैं तो ब्लैक कलर अख्तियार करती है। जैसे जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक को अगर आग लगे वो ब्लैक कलर अख्तियार कर लेते हैं, या जिस चीज में कार्बन मौजूद होते, कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट में भी हमारे पास कार्बन कंटेनिंग है क्योंकि इसका फार्मूला है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग होती है ना कार्बोहाइड्रेट, तो इसको भी अगर आग लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर अख्तियार कर लेते हैं। तो हम ये अखज कर सकते हैं कि कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। जिस चीज में और कार्बन मौजूद नहीं होते इसको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है, पेट्रोल भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ जाती है, सही है। वाटर पानी जो है मेरे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद नहीं है, इस फार्मूला है H2O, सही है। प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट्स बाय स्पेसिफिक टिश्यूज, हमारे पास ये हार्मोन जो है ये हमारे बॉडी प्रोड्यूस करते हैं बाय अ स्पेसिफाइड टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जब एंडोक्राइन ग्लैंड जब ये रिलीज सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीशन कहाँ तक आ जाते हैं, टू द ब्लड स्ट्रीम। और इसका काम क्या होता है, कंट्रोल द मेटाबॉलिक एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड द टारगेट सेल। ये क्या करते हैं, टारगेट सेल का मतलब हर हार्मोन्स का अपने टारगेट प्लेस पे काम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन का अपना टारगेट प्लेस है, वो भी हार्मोन में आ जाते हैं ना। हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब रिलीज होते हैं इसका अपना टारगेट प्लेस है, वहां पर अपने आप को पहुंचाते हैं। इसी तरह ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, इसका भी अपना टारगेट स्पेस होता है, वो ओरीज पे काम करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, इसका अपना टारगेट प्लेस है। इसी तरह थायराइड हार्मोन, इसका अपना टारगेट प्लेस होता है। इसी तरह हमारे पास वो है ADH हार्मोन, इसका अपना टारगेट प्लेस होता है। इसी तरह हमारे पास और कौन से हैं, पोलिकल स्टेमुलेटिंग हार्मोन, इसका पोलिकल पे काम होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास स्पेसिफाइड या स्पेशल टाइप हार्मोन जो है वो स्पेसिफिकली तौर पे स्पेसिफिक जगह पे वो क्या करते हैं, काम करते हैं, टारगेट टिश्यू या सेल पे काम करते हैं। वहां पे काम करके वो अपना जो गोल है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये अभी ये कह रहे हैं कि हार्मोन मे बी रिगार्डेड एज द, ये भी कहता है कि केमिकल हार्मोन जो है एज अ केमिकल मैसेंजर भी है, इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टिश्यू, ये FROMS है, ये फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर एंड फ्रॉम सेल टू द सेल। ये बोले इट्स वर्क लाइक अ केमिकल मैसेंजर के तौर पर भी काम करते हैं, हार्मोनल लाइक है। तो हमारे पास एसिटाइल कोलीन है, वो भी एक नर्व ट्रांसमीटर है, वो भी हार्मोन की तरह काम करते हैं, वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह वो कराते हैं। इसी तरह हमारे पास एंडोजीनस केटोकोलामाइन, एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन, वो भी एज अ केमिकल मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं, सही है। जनरल फंक्शन ऑफ हार्मोन हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रेगुलराइज रखता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को, जैसे मेटाबॉलिज्म में हमारे पास ज्यादातर वो है थायराइड हार्मोन जो है वो ज्यादातर मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम करते हैं। इसी तरह कंट्रेक्शन एंड कार्डिक स्मूथ मसल की कंट्रेक्शन, कार्डिक और उसमें काम कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्लैंडुलर सेक्रेशन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सम इम्यून फंक्शन, सम कुछ हार्मोन जो हमारे पास एज अ इम्यून की तरफ तौर पे काम करते हैं, कुछ हमारे पास एज अ ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी काम करते हैं। जैसे हम बढ़ते रहते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से खास कम हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारे ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द पेशेंट द पर्सन इज हैविंग पेच्यूटी एडेनोमा हो, यानी कैंसर ऑफ पेच्यूटी ग्लैंड हो,
तो पेचोटी ग्लैंड के कैंसर कंडीशन की वजह से हमारा पेचोटी ग्लैंड जो है वो एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा। जब एक्स्ट्रा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा तो आपका तो आप क्या करो एक्स्ट्रा तौर पे आप क्या करो बढ़ोगे। हमने देखे होंगे जो उम्र के लिहाज से छोटे होते हैं लेकिन लगते बहुत बड़े होते हैं, इसके जो डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो ग्रोथ जो है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि इसमें ग्रोथ हार्मोन जो है वो एबनॉर्मली बढ़ जाता है। या बहुत लोगों में हाइपो पिट्यूटरीज़म होती है, मीन लोगों में ग्रोथ हार्मोन की कमी आ जाती है, तो ग्रोथ हार्मोन जब कम होते हैं तो उन लोगों का ग्रोथ प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन, इसको अलग नाम देते वो इसमें हम पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ हार्मोन रिप्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे हमारे पास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का खास तौर पे मेल में काम है, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, और इसके अलावा एस्ट्रोजीन हार्मोन है, इसके अलावा एसएच है यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये हमारे पास रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव फंक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह थायराइड, हमने देखे हो कि हम प्रेगनेंसी में ज्यादातर थायराइड फंक्शन और टीएसएच वगैरह भी करते हैं, इसका भी अहम किरदार होता है इसमें। एंडोक्राइन सिस्टम, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारे पास पूरा सिस्टम है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम क्या होता है, सिस्टम इंटरैक्ट्स द एंडोक्राइन सिस्टम इंटरैक्ट्स विद द नर्व सिस्टम टू कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट बॉडी एक्टिविटीज बाय मींस ऑफ हार्मोन। हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम वो क्या करते हैं, इंटरैक्शन कर देता है हमारे नर्व सिस्टम से, जिसका काम क्या होता है, टू कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट बॉडी एक्टिविटीज को, जो आपके कोऑर्डिनेशन सिस्टम को क्या करते हैं और बॉडी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, इसको बेहतर तरीके से अदा करने में अहम किरदार होता है, किसका, वो हार्मोन का होता है। एंडोक्राइन टिश्यूज एंड ऑर्गन सिक्रीट हार्मोन इनटू बॉडी फ्लूइड, एंडोक्राइन टिश्यूज है या ऑर्गन है वो क्या करते हैं, वो बॉडी फ्लूइड में ये सिक्रीट करता है, मेनली जैसे ब्लड में या लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक सिस्टम में वो ये क्या करते हैं, सिक्रीशन कराते हैं डायरेक्टली यूजिंग डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो यूज अप हो जाते हैं। हार्मोन रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी, रिजल्ट में टेक आवर्स बट लास्ट लॉन्गर, हमारे पास इसका रिजल्ट जो इसमें घंटे लगते हैं और इसमें ज्यादा टाइम लगता है। हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम जो हम कुछ खास एंडोक्राइन सिस्टम पलटेंगे उसमें कौन कौन है, These organ primary function as endocrine gland. वो as a endocrine gland की तौर पे काम करते हैं, जैसे pituitary gland है, pineal gland है, thyroid है, parathyroid है, adrenal है, और भी बहुत से हम shortcut पढ़ते हैं। Endocrine system secondary function as endocrine gland. जैसे हमारे पास as a secondary function में endocrine gland की तौर पे काम करता है वो hypothalamus है, इसमें thymus gland भी है, इसमें pancreas gland भी है, ovaries भी है, testes भी है, kidneys है, stomach है, liver है, small intestine है, skin है, heart है, placenta, adipose tissue, they work like a secondary gland or work like a endocrine gland. What are hormone? Hormone receptors क्या होते हैं? Hormone receptor जो है just work facilitate करते हैं, all throughout hormone travels and blood throughout the body. दे इफेक्ट ओनली स्पेसिफिक टारगेट सेल पे काम करते हैं। अभी मैंने बताया था कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे काम करते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये सब बताए थे। टारगेट सेल हैव स्पेसिफिक प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर टू व्हिच हार्मोन बाइंड। इसके ग्लाइकोप्रोटीन लाइक आप लोग ये देख रहे होंगे ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर भी होते हैं ना, ग्लाइकोप्रोटीन मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ये बोले कि हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर पे रिसेप्टर के साथ बाइंड होके इस पे इफेक्ट करता है जो ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सिंथेटिक हार्मोन डेट ब्लॉक द रिसेप्टर फॉर पार्टिकुलर नेचुरली ऑकरिंग हार्मोन इज अवेलेबल एज ड्रग। हमारे पास कुछ जो है कुछ ड्रग के फॉर्म में भी हार्मोन पाए जाते हैं। सिंथेटिक का मतलब हमने बनाए हुए हार्मोन है जो क्या करते हैं रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेते हैं, सही है, ड्रग के फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। सर्कुलेटिंग एंड लोकल हार्मोन, हमारे पास लोकल हार्मोन कौन से, एंडोक्राइन सर्कुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन्स दैट ट्रेवल इन ब्लड एंड एक्ट ऑन डेस्टिन टारगेट, डेस्टिन टारगेट पे काम करते हैं, इसको हम कौन सा कहते हैं, जैसे एंडोक्राइन एक्शन है उसे सर्कुलेट कर लिया यानी ब्लड सर्कुलेशन के जरिए फिर डिस्टेंस सेल पे क्या करेगा, असर करेगा। दूसरा हमारे पास लोकल हार्मोन है,
हार्मोन डेट एक्ट लोकली विदाउट फर्स्ट एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, यानी ये बोले कि ये डायरेक्टली उस सेल पे काम कर लेते हैं, यानी इसको लोकलाइज मीन ब्लड स्ट्रीम यानी सर्कुलेशन के लिए नहीं होते, डायरेक्टली सेल पे इफेक्ट कर लेते हैं, इसको हम लोकल हार्मोन कहते हैं। जैसे हमारे पास लोकल हार्मोन की अगेन क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमारे पास एक पैराक्राइन है, एक ऑटोक्राइन है, सही है। पैराक्राइन किसे कहते हैं? पैराक्राइन हार्मोन डेट एक्ट ऑन नाइबोरिंग सेल, वो हार्मोन जो पड़ोसी सेल पे एक्ट करते एक्शन लेते हैं, इस पे हम अपने आप को अमल पैरा करते हैं, इसको हम पैराक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जबकि ऑटोक्राइन ग्लैंड उस हार्मोन, उस किस्म के हार्मोन को कहते हैं जो अपने आप पे क्या करते हैं, अपने आप पे इफेक्ट करते हैं, इसको हम ऑटोक्राइन कहते हैं। पिक्चर में आपको शो किया गया है व्हाट आर ऑटोक्राइन। ऑटो का मतलब खुद खुद ब खुद अपने आप पे असर करते हैं। पैराक्राइन जो नाइबोरिंग सेल पे काम करते हैं। एंडोक्राइन जो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होके फिर डिस्टेंस सेल तक चला जाता है, उस पर इफेक्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे पास केमिकल क्लासेस ऑफ हार्मोन, केमिकल क्लासेस ऑफ हार्मोन जो है लिपिड सोलेबल हार्मोन, इसके अलग क्लासिफिकेशन है। एक है लिपिड सोलेबल हार्मोन में हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन आ जाते हैं, थायराइड हार्मोन, नाइट्रिक ऑक्साइड हार्मोन, इसी तरह वाटर सोलेबल हार्मोन्स की फिर अगेन क्लासिफिकेशन है। एक है अमाइन, अमाइन में हमारे पास अमाइन्स कंटेनिंग जो है वो एपिनेफ्रिन है, नोरएपिनेफ्रिन है, मेलाटोनिन है, जो हमारे पास क्या काम करते हैं, हमारे स्किन में पाए जाते हैं। और एक है सेरोटोनिन, SEROTONIN, सेरोटोनिन आपकी मूड स्टेबलाइजर है। अगर इसकी कमी पेशी आ जाए तो आपके मूड में क्या आ जाती है, तब्दीली आ जाती है, मूड को डिस्टेबलाइज कर देता है, सही है। इसके अलावा हमारे पास एक है पेप्टाइड प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, पेप्टाइड्स प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास कौन कौन से, इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है और ADH है। और हमारे पास अगला है वाटर सोलेबल हार्मोन में क्या है, एकोसोनाइड, एकोसोनाइड में हमारे पास प्रोस्टेग्लैंडिन है, जो हमारे पास प्रोस्टेग्लैंडिन एक किस्म के प्रोस्टेग्लैंडिन है जो क्या कहते हैं, वेजोडायलेटर है, एक किस्म के प्रोस्टेग्लैंडिन है जो हमें फीवर करा देता है, एक किस्म के प्रोस्टेग्लैंडिन है जो जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। हमारा टारगेट जब हम पेन किलर देते हैं उससे प्रोस्टेग्लैंडिन का लेवल कम हो जाता है, दर्द और बुखार कम हो जाता है, सही है। एक हमारे पास लिकोट्रीन है जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा था, लिकोट्रीन D4 E4 C4 जो हमारे ब्रोंकोस्पासिटी करा देते हैं। ये हमारे पास बेसिकली तौर पे क्या है, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम में एक्टिवेट होके आपके इम्यूनिटी को बरकरार रखता है। एक्शंस ऑफ लिपिड सोलेबल हार्मोन, लिपिड जो सोलेबल हार्मोन है इसका काम क्या होता है, लिपिड सोलेबल हार्मोन बाइंड टू एंड एक्टिवेट रिसेप्टर विद इन द सेल। हमने बोला कि लिपिड सोलेबल वो हार्मोन है जो बाइंड हो जाता है किसके साथ, रिसेप्टर के साथ, और रिसेप्टर के साथ जब दे एक्टिवेट रिसेप्टर देन अल्टर जीन एक्सप्रेशन, जो आपकी जीन एक्सप्रेशन को क्या कर लेते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन को क्या करते हैं, अल्टर करा देते हैं। और अल्टर कराएगा तो न्यू प्रोटीन नहीं बनेगी, जब न्यू प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या होगा, सेल एक्टिविटी क्या हो जाए, खराब हो जाएगी, और इसके बदले में एज द रिजल्ट द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ दोज हार्मोन एंड रिजल्ट इज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ दोज हार्मोन, जिसके वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ दोज हार्मोन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। देखो फॉर एग्जाम्पल एक्शन ऑफ लिपिड सोलेबल लिपोफिलिक हार्मोन है हमारे पास, यहाँ पर क्या क्या, एक मेडिकेशन आई, सही है, एक हार्मोन आया लिपिड सोलेबल है, हार्मोन ने क्या किया, रिसेप्टर पे अपने आप को अटैच कर, जब रिसेप्टर पे अपने आप को अटैच करके सेल के अंदर चला जाएगा और सेल के अंदर चला जाए, अंदर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन देगा। देखो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ mRNA मैसेंजर RNA बनाएगा, मैसेंजर RNA क्या करेगा, ट्रांसफर RNA क्या करेगा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और सेल ग्रोथ करेगा। लेकिन हमने ये बताया कि क्या करेगा, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, ये रिसेप्टर पे क्या कहते हैं, हम ब्लॉक कर ले, जब ब्लॉक होगा तो फिर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। एक्शंस ऑफ वाटर सोलेबल हार्मोन, वाटर सोलेबल हार्मोन का क्या काम है, ये कैसे काम करते हैं, आपने लिपिड सोलेबल हार्मोन तो पढ़ ली, वो सेल के साथ अटैच होके सेल के अंदर जाके वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सही है। लेकिन वाटर सोलेबल हार्मोन क्या करते हैं, वाटर सोलेबल हार्मोन जो है अल्टर सेल फंक्शन बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स विद सेट ऑफ अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स इनसाइड द सेल।
सही है, वाटर सोल्युबल हार्मोन जो है आपके सेल फंक्शन को क्या करेगा, फंक्शन को अल्टर कराएगा, सही है। बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करके विद सेट ऑफ कैस्केड ऑफ इवेंट इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर एक्टिविटी को बढ़ा देता है वाटर सोल्युबल हार्मोन। फर्स्ट मैसेंजर द वाटर सोल्युबल हार्मोन डेट बाइंड्स टू द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, सही है। फर्स्ट मैसेंजर हम इसे कहते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, वाटर सोल्युबल हार्मोन होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ अपने आप को अटैच करते हैं, दिस इज फर्स्ट मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर क्या होता है, केमिकल एक्टिवेटेड इनसाइड द टारगेट सेल, जो टारगेट सेल के अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड मैसेंजर या साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट भी कहते हैं, CAMP कहते हैं, सही है। देखो एक्टिव एक्शन ऑफ वाटर सोल्युबल हार्मोन, ये मेरे पास क्या, फॉर एग्जांपल दिस इज द हार्मोन, आपको कर्सर में नजर आ रहे हैं, इस ये हमारे पास सेल है, सेल ये हार्मोन जो है इस सेल के रिसेप्टर के साथ अपने आप को अटैच कर लिया, जब अपने आप को अटैच कर लिया वो क्या करेगा, अंदर चला जाएगा जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन किसको एक्टिवेट करेगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट करेगा एडेनिलाइल साइक्लेज एंजाइम को, और एडेनिलाइल साइक्लेज एंजाइम कन्वर्ट करेगा ATP को, किस में कन्वर्ट करेगा, CAMP साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट, और जब साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा वो किसके, साइक्लिक एमाइनो मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रोटीन काइनेज सी, और प्रोटीन काइनेज सी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज सी हमारे पास जो कैल्शियम चैनल है वो क्या करेगा, फास्फोराइलेट प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म दे एक्टिवेट दीस प्रोटीन इलेवेंट, हाँ जो क्या करेगा कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा एल टाइप चैनल को, जब एल टाइप चैनल ओपन होगा तो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम अंदर जाएगा, तो एक्टिन और मायोसिन पे इफेक्ट करेगा, और इसी तरह आपकी सेल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इस तरह एक मैकेनिज्म इसका इस तरह है, सही है। थैलेमस किसे कहते हैं, पिनाइल ग्लैंड का है, हाइपोथैलेमस आप लोगों को पता है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, द हाइपोथैलेमस लिंक बिटवीन द नर्व्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस जो है वो किसके, ये लिंक बिटवीन हमारे पास नर्व्स एंडोक्राइन सिस्टम का, हाइपोथैलेमस रिसीव इनपुट फ्रॉम द कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स से मैसेज रिसीव करता है थैलेमस से, और लिम्बिक सिस्टम से और इंटरनल ऑर्गन से मैसेज रिसीव करता है, जब ये रिसीव करता है तो फिर क्या करेगा, हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का हम दूसरा नाम देते हैं हाइपोफाइसेस भी कहते हैं, जो क्या करेगा रेगुलेट वर्चुअली ऑल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और हेमोस्टेटिक मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल स्टिमुलेट और इनहिबिट, हाइपोथैलेमस के दो काम है, नेगेटिव फीडबैक इधर है या इनहिबिट होगा, जब कोई चीज पूरा हो जाए तो इनहिबिटरी एक्शन करेगा, जब कोई चीज आपके ब्लड सर्कुलेशन में कम हो जाए तो स्टिमुलेटरी एक्शन करेगा, दोनों काम करता है नेगेटिव फीडबैक के जरिए। देखो हमारे पास रिलीजिंग फैक्टर में क्या, GnRH, ये क्या करेगा हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जब ब्लड में इसको पता चल गया कि FSH और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की नीड है तो क्या होगा, इसको हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन मिलते हैं, हाइपोथैलेमस को जब स्टिमुलेशन मिलते हैं वो किसको एक्टिवेट करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको एक्टिवेट करेगा, FSH को और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को। इसी तरह GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है, जब इसको पता हो रहा है कि मैं नहीं बढ़ रहा हूँ तो क्या करेगा, इसको हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन देगा, स्टिमुलेशन की वजह से GHRH रिलीज होगा, GHRH जो है वो क्या रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा। इसी तरह हमारे पास फिर क्या है, हाइपोथैलेमस जो है वो क्या रिलीज करेगा, ये हमारे पास सोमेटोस्टेटिन है, जब आपके जिस्म को पता चल गया कि मैं हद से ज्यादा बढ़ रहा हूँ या अपने जितना चाहिए होता है, जो मुझे मैसेज मिला था कि आपको इतना बढ़ना है और मैं इतना बढ़ चुका हूँ, तो फिर क्या करेगा, सोमेटोस्टेटिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा और ये ग्रोथ हार्मोन को एज अ इनहिबिटरी एक्शन करेगा, इसको रुकवाएगा कि आप मजीद नहीं बढ़ना है, आप बढ़ गए हो काफी हद तक। इसी तरह थायराइड हार्मोन की जब नीड होती है तो फिर क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन मिलती है, वो क्या रिलीज करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से, और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किस को एक्टिवेट करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे इफेक्ट करेगा, आपकी थायराइड ग्लैंड पे, और T3 T4 रिलीज करेगा। इसी तरह हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन है, फिर हमारे पास
सी ए सी आर एच हार्मोन जो ए सी टी एच को एक्टिवेट करेगा। अभी देखते हैं वो कैसे करते हैं। देखो हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस एटलीस्ट, हमारे पास तकरीबन छह रिलीजिंग फैक्टर या हार्मोन है, वो कौन से, वो ये छह है, जे एन आर एच, जी एच आर एच, डबल एस, टी आर एच, डी ए और सी आर एच, ये छह हार्मोन है वो होते हैं हमारे पास। कौन सा है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और ये क्या रिलीज करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से वो क्या करेगा, विच इज इन टर्न स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ पी3 और पी4, क्या करेगा, रिलीज करेगा, ये हो गया। फिर हमारे पास एक है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, जो क्या करेगा, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो ACTH रिलीज करेगा, जो एड्रेनल कोर्टेक्स पे काम करेगा, और एड्रेनल कोर्टेक्स जो क्या करेगा, एड्रेनोकोर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करेगा, सही है। इसके अलावा हमारे पास आगे क्या है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन देगी, वो गोनेडो, वो फिर इसके अलावा वो क्या रिलीज करेगा, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, इसके अलावा पोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। इसी तरह GRH, जब आपका ग्रोथ फैक्टर कम हो गया तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन मिलेगी, और हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, GRH, तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, या सोमेटोस्टेटिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। ग्रोथ हार्मोन तब रिलीज करेगा जब आपको नीड है ग्रोथ की, बढ़ने की, और जब आपको ग्रोथ को रुकवाने की नीड होती है तो फिर सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, जो क्या करेगा, प्रोमोट द ग्रोथ। इसी तरह हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन है, वो क्या है, इट इज आल्सो नोन एज सोमेटोस्टेटिन, सही है। और इसके अलावा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन वो क्या करेगा, इनहिबिटरी इनहिबिटिंग हार्मोन है, it is believed to be a dopamine and or small peptide that inhibits the release of prolactin hormone, jo wo pituitary gland se iske releasing ko kya karega, kam karega. Is prolactin hormone hamare paas kahan hote hain, hamare paas milk mein hote hain, sahi hai. The pituitary gland is differentiated into the anterior adenohypophysis, isko kehte hain anterior part ko, jabki posterior part pituitary gland ko hum kya kehte hain, नेरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, सही है। जब एंटीरियर हाइपोफाइसिस जो वो क्या रिलीज करेगी, ये सात हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, सही है। इसका देखो ये इफेक्ट क्या करता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है वो टारगेट टिश्यू है, टारगेट टिश्यू जो है इसका टेस्टिस और ओरिज पे काम करता है। इसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है, इसी तरह मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो मेलेनोसाइट सेल पे काम करता है, इसी तरह ग्रोथ हार्मोन जो है वो लीवर बोन्स और अदर टिश्यू पे काम करता है, उसके ग्रोथ फैक्टर को बढ़ा देता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन द मोस्ट प्लेंटिफुल एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर स्मॉल प्रोटीन लोकल हार्मोन दैट आर प्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्स टू क्या है, HGH, and promote the tissue response to HGH, human growth hormone ko kya karega, iske response ko bada deta hai, insulin like growth factor. Physiological effect of growth hormone, growth hormone ka physiological effect is pe kya wo hai, direct effect kya hai, dekho growth hormone hai wo directly fat pe kaam karta hai, wo directly effect kar lete hain, aur insulin like growth factor jo hai wo hamare paas liver se release hote hain, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट कर लेते हैं, सही है। ग्रोथ हार्मोन हैज टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट। जो हमारे पास ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, सही है, वो क्या है, टारगेट सेल हमारे पास कौन से, लीवर है, स्केलेटल मसल है, कार्टिलेज और बोन है,
फंक्शन क्या है, इंक्रीज सेल ग्रोथ, ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और एचजीए जो है इसका फंक्शन क्या है, इंक्रीज सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन में काम करते हैं, इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड में काम करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में काम करते हैं, स्टिमुलेट ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन, लिपोलाइसिस में अहम किरदार अदा करते हैं, एडिपोज टिश्यू और सोफिटी एसिड यूज फॉर एटीपी सिंथेसिस के लिए काम कर जाता है, रिटार्ड यूज ऑफ ग्लूकोज, जब यूज ऑफ ग्लूकोज जो है वो सुस्त हो जाए एटीपी प्रोडक्शन के लिए, सो ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन हाई एनफ टू सप्लाई ब्रेन, सही है, रेगुलेट बाय रिलीज फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस, वो प्रोमोट्स रिलीज में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन है और सोमेटोक्रेनिन है, इसी तरह इनहिबिटरी रिलीज में हमारे पास ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है जो सोमेटोस्टेटिन भी कहलाते हैं इसको, सही है, थायराइड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं वो डायरेक्टली क्या करता है, थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे काम करके सिक्रीशन ऑफ T3 और T4 जो है थायराइड हार्मोन से कर देता है, इसका प्रोमोशन रिलीज का क्या होता है, थायरो यानी इसको प्रोमोट कौन करता है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कौन एक्टिवेट करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर TSH पे काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की TSH पे, और TSH जो है थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड पर क्या प्रोड्यूस करता है T3 और T4, इसी तरह इनहिबिटरी रिएक्शन नेगेटिव फीडबैक क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन या सोमेटोस्टेटिन जो है ये नेगेटिव फीडबैक है, जब हमारे पास T3 और T4 बढ़ जाता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है जो सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज होके इसके ग्रोथ जो स्टिमुलेशन टू द थायराइड हार्मोन है इसको रुकवा देता है, सही है, इसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ फोलिकल, फोलिकल्स के फॉर्मेशन में किरदार विद इन द ओरी, स्टिमुलेट फोलिकल सेल टू, और इसी तरह फोलिकल सेल जब इनिशिएट हो जाते हैं, फॉर्मेशन हो जाते हैं, फिर क्या करता है एस्ट्रोजन रिलीज करता है इसी फोलिकल से, और यही क्या करता है स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन में एम किरदार होता है, और इसको रिलीज कौन करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, नेगेटिव फीडबैक है, और इसका इनहिबिटरी वो हार्मोन क्या है बाय एलिवेटेड, जब सेक्स हार्मोन एलिवेट हो जाए तो ये रुक जाता है ऑटोमेटिकली, फिर हमारे पास फीमेल में ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है जो क्या करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रीशन में अहम किरदार अदा करता है इसी, और इसका नाम प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन में अहम किरदार होता है, किसका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एंड मेल्स ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है वो इंटरस्टिशियल सेल, टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, और इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, रिलीज एज मीडिएटेड बाय गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से मीडिएट होता है, और नेगेटिव फीडबैक बाय सेक्स हार्मोन लाइक FSH हार्मोन जब बढ़ जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक है और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की फंक्शन को क्या कर देता है अल्टर करा देता है, इसी तरह हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है वर्क्स टुगेदर विद अदर हार्मोन्स टू इनिशिएट एंड मेंटेन मिल्क सिक्रीशन, मेमरी ग्लैंड के जरिए मिल्क सिक्रीशन को मेंटेन रखता है, कौन प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये कहां से रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और इसको प्रोमोट कौन करता है, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन को प्रोमोट कौन करता है, यानी इसको एक्टिवेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, और इसको रुकवाता कौन है, जब आपकी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाते हैं तो इसको इनहिबिट कौन करता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन या डोपामिन वगैरह इसको इनहिबिटरी एक्शन करा देता है, इसके अलावा हमारे पास कौन है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, सही है, इसका काम क्या होता है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लुकोकॉर्टिकॉइड यानी बाय द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से ग्लुकोकॉर्टिकॉइड के प्रोडक्शन को क्या करता है कम कर देता है कंट्रोल कर देता है सॉरी सही है, और इसको एक्टिवेट कौन करता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस इसको वो करते हैं, लेकिन जब कभी हमारे पास ये कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो नेगेटिव फीडबैक के जरिए जो है ये क्या करता है नेगेटिव फीडबैक के जरिए कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो इनहिबिट हो जाता है, जब ये इनहिबिट होगा तो ACTH को
स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, जब इसको स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी तो एड्रेनल कॉर्टेक्स को भी स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, तो फॉर्मेशन ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन का फॉर्मेशन जो है वो रुक जाएगी इसी तरह से। इसी तरह मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, वो स्किन के पिगमेंटेशन के में अहम किरदार होता है और ह्यूमन में इसका अननोन है। इसका इसको एक्टिवेट कौन करता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होती है हाइपोथैलेमस, और इनहिबिटरी एक्शन कौन है इसका, डोपामीन है। सही है, इसके साथ ही हम क्लास को डिसमिस करते हैं, क्लास हैज बीन डिसमिस्ड।